बांध दिया भाई गाड़ी को। तो हेलो, राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई अभी क्या है, शाम के बज रहे हैं 6। आपको हम दिखाते हैं घड़ी अपनी, ये कुछ रहा टाइम। और ट्रिप ए को हमने जीरो किया था, जो कि 109 किलोमीटर हमारे घर से अभी तक चल चुकी है। ईंधन वगैरह कुछ इतना अपनी गाड़ी में। और भाई 6 बजे हम खड़े हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ वाला एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 अराइवल पे, डिपार्चर पे है भाई। अराइवल तो खैर नीचे है और होने वाली है शाम। कल शाम को भी यहाँ इतने बजे आए थे, कल तो खैर 3 बार यहाँ आए थे, आज पहली बार आए हुए। ये देखिए सनसेट होने वाला है अभी, अभी तो खैर बहुत ऊपर है, थोड़ी देर बाद होगा, आधे घंटे बाद। तो हुआ कुछ ऐसा भाई कि आज जो है कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात में 12 बजे घर पहुँचे थे, गए यहाँ खा पी के सो गए थे, सुबह उठे फिर भाई नहाए धोए खाए पिए फिर सो गए और उठे 2 बजे भाई। 2 बजे उठने के बाद गए बच्चों को थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराना था, अपने लिए भी कपड़े वपड़े लाने थे भाई, कपड़े वगैरह ला के फिर ये बुकिंग पिकअप करके यहाँ पे ला के हमने जो है ड्रॉप कर दिया है। तो आज देखने वाली बात होगी आज कितना होगा, हालांकि कल के तरीके तो नहीं होगा। कल का भाई अपना बहुत बढ़िया टारगेट रहा, 2 ओला की थी, 2 उबर की थी, 2 ही प्राइवेट किया था, और सबसे अच्छा काम अपना प्राइवेट वाली बुकिंग का था। कल के 2 ब्लॉग है, अभी एक बैक टू बैक करके आएंगे दोनों, आप लोग देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिलहाल हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से उतरने के बाद सीधा जाएंगे जो है वहीं अड्डे पे अपने खड़े होंगे जाके, और अपने साथियों के साथ में देखते हैं राइड हमारी कब आती है, कौन सी ऐप से आती है, यहाँ हम किस ऐप से आए थे, कितना क्या बना हुआ है भाड़ा वगैरह, सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। जो हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा भाई। ये रहा कुछ हिसाब किताब भाई, अब इसको यहाँ रख देते हैं मोबाइल को, अब करते हैं वेट, देखते हैं चल के अड्डे पे भाई हमारे कौन कौन साथी आए हुए हैं और कौन कौन आके जा चुके हैं, क्योंकि आज हम लेट आए हैं, कल हमारा इतना 3रा चक्कर लग रहा था, मतलब 3री बार आए हुए थे, आज पहली बार ही आए हुए हैं। वही हमने बताया था ना कि भाई रोज रोज इतने चक्कर नहीं लगा सकता हम, क्या कोई भी नहीं लगा सकता है, ये कभी कभी ही हो पाता है। तो कल वो हमने टारगेट पूरा किया था, हालांकि 2000 का टारगेट डेली का हमारा रहता है, वो हमारा आसानी से पूरा हो जाएगा। कल भी हमने 2000 ही निकाले हैं, बकाया वो जो पैसे थे वो अपना बैकअप के लिए रख लिए हैं, कभी जब अर्निंग नहीं होगी तो उसको जो है रेशियो, महीने का जो रेशियो होता है उसमें जो है डाल देंगे। फिलहाल पर्चियां जमा करते हैं। पर्ची भाई जमा कर दी, ये देखो भाई अपना टाइगर, पीलीभीत का टाइगर सामने नजर आ रहा है भाई। अब फटाफट निकलते हैं बाहर, चलते हैं देखते चल के हमारा कौन कौन साथी हमारा वहाँ वेट कर रहा है, और फिर हम किसके साथ जाते आते हैं, सारी डिटेल मिलेगी आपको। खड़े हैं भैया अड्डे पे, ये देखो कानपुर कितनी गाड़ियाँ हैं, लगभग ज़्यादातर सब के सब कानपुर के हैं, UP 78 ही आपको मिलेंगे। अरे बहुत सही सत्या, मौज करते गुरु, रनिंग पे आ गई तुम्हारी, इसकी 2 अनेबल हुई थी भाई, अब ये 3री आ रही, देखो जेनुअन होती है, जेनुअन आ जाए तब तो सही है। जेनुअन नहीं है, नहीं। ओ भाई विवेक के साथ में हो गया खेल, हेलो फ्रेंड, फिर अनेबल हो गई भाई, इसको फंसी रहेंगे बजने दे, वो वॉल्यूम कम कर दो, क्या बजे आयो तुम? सुबह। हाँ सुबह के, हमारी तो कल की पौड़ी नहीं बज रही यार, आ गया का यार, कोई बात नहीं, हमारे पास जेनुअन आएगी, फर्जी तुमको दे रहा है, जेनुअन हमारे पास आएगी। वो विवेक के साथ में हो गया भाई खेल, रिटर्न के लेके आया था, लेकिन कस्टमर ने क्या बोला है, वन वे कर दिया, 2500 में रिटर्न थी भाई और 1700 रुपया वन वे का दिया है, हालांकि पैसे सही दिए हैं, लेकिन इधर से जाएगा कैसे, बात ये है कैसे जाओगे, आज भाई संडे का दिन है, आज सवारी भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये अगर सवारी होती 150 की 4 बैठा के 600 रुपये मतलब CNG भर का तो कमा ही लेता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि आज संडे का दिन है, कानपुर की सवारियां बहुत कम निकलती हैं, यहाँ आ गया है, अब कोई ना कोई जुगाड़ देखा उसके बाद यहाँ से जो है निकलेगा। गाड़ियाँ देखो भाई आ ही रही हैं, जा कम रही हैं आ ज़्यादा रही हैं, थोड़ी फंसे हैं तो उसके बाद निकालना भाई, वेट करते हैं देखते हैं हमारा नंबर कितने बजे आता है भाई।
तो भाइयों हम आ चुके हैं वापस और कस्टमर को ड्रॉप किया है गोविंद नगर। अब आपको बता दें आज की अर्निंग, आज की अर्निंग जो हम भाई ओला की बुकिंग थी, पहली राइड थी इधर से लेके गए थे, वो ये राइड थी भाई, 1062 रुपए का टोटल बिल बना था और कंपनी ने 1001 रुपए हमको दिए थे। कुछ इस तरह का है हिसाब किताब भाई, ट्रिप का बैलेंस 60 रुपए, कुल मिला के 1000 हमको दिया है। तो भाई अभी खड़े होके वेट कर रहे हैं, चलो इसको भाई ऑन कर देते हैं। तो भाई ये तो हुई जाने वाली बुकिंग का, और आने वाली बुकिंग का यहाँ से एयरपोर्ट गए थे, पिकअप किया था विजयनगर से, ठीक है, ड्रॉप किया था मान लो जो है, तो जाने पे तो खैर पैसे कम दिए हैं, टोल अलग से है 90 रुपए, तो 1000 रुपए हमारा ऑपरेटर है। और उसके बाद जब उधर से आए तो भाई पैसे कंपनी ने अच्छे दिए हैं, वो बुकिंग भी आपको दिखाते हैं भाई, वो बुकिंग कुछ ऐसे रही भाई। ये देख लो भाई ये डिटेल, ठीक है, इसको हटा के इधर इधर अलग हटा के दिखाते हैं भाई आप लोगों को, तब फिर समझ में आएगा। ये देख लो भाई टोटल बिल बना है 1696 रुपये का, और टोल 1696 रुपये में कंपनी ने GST लिया है 82 रुपये और 14 रुपये लिया है ओला का भुगतान, कुल मिला के 96 रुपये हुआ है। 96 इसमें से हटा दो 1696 में, 1600 रुपये इधर दिए हैं और कंपनी ने 1000 रुपये पहली राइड में दिए हैं, तो कुल मिला के 2600 का काम हुआ है। अब 2600 रुपये में भाई 600 रुपये अपना गाड़ी का जो है हम CNG निकाल देते हैं, और 600 निकालने के बाद जो हमारा बचेगा जो है 2000 रुपये, जो कि हमारा डेली का टारगेट है। गाड़ी जो हमारी चली हमारे घर से अभी तक भाई जीरो किए थे घर पे 200 किलोमीटर चली है, जो कि कुछ तो अपने काम से चले क्योंकि शॉपिंग वगैरह के लिए आए हुए थे, ईंधन वगैरह कुछ इतना है, ईंधन तो भाई हम भराते रहते जब खाली टंकी हो जाती है, तो 100 का आ रहा है कि 700 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, 10 of 10 मतलब जितने खाली है पूरा भर दो भाई, वो कितने की भी भरे कोई दिक्कत ना है। तो कल का ब्लॉग देखा होगा भाई या देखेंगे आप, कल हमने 6000 रुपये सूखे सूखे बचाए थे, आज बचाए हैं 2000 रुपये, तो कभी कभी होता है। कल हमारा मन भी था काम करने का, आज तो खैर मन भी नहीं था, तो दोस्त का फोन आ रहा है, उससे पहले बात करते हैं, उसके बाद में जो है आते हैं वीडियो में कंटिन्यू, फिर आपको डिटेल बताते हैं। तो भैया बता दे काम हमारा खत्म हो चुका था, मैं घर जाने वाला था, गोटू लगाने वाला था, तब तक विवेक का फोन हो गया भाई, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उसको जा रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर का रास्ता पीछे का है, देखो गंगा बराजा रोड है वो भाई, देखो 10 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं, गोविंद नगर में था, 10 किलोमीटर गाड़ी चल गई, और दोस्त का घर सामने पड़ता है गंगा बराज के उस साइड में, उसने अपने एक मित्र को सुनील को बुला लिया, जो कि सुनील हमारे साथ कपड़े लेने दोपहर में गया था हमारी ही गाड़ी से, मतलब वो अपनी गाड़ी से गया था, वो विवेक भी गया था, विवेक और सुनील वैगनार से गए थे, हम हमारी फैमिली इस गाड़ी से गए थे कपड़े लेने के लिए। तो भाई अभी शाम को फोन आता है भाई गाड़ी खराब है, सुनील को घर से लिवा लेना, रस्सा वगैरह लिया हुआ है गाड़ी टोचिंग करने के लिए। हमने कहा ठीक है भाई, हुआ कुछ ऐसा था कि एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, हम दोनों लोग लखनऊ गए थे, लखनऊ से हम वापस आ रहे थे, वो भी वापस आ रहा था, तो उस पत्थर पे उसकी गाड़ी चढ़ गई थी बीच में, तो रेडिएटर उसका जो है फट गया है, तो गाड़ी हीट मार रही है, तो हमने कहा स्टार्ट मत करना भाई, और जो उसका मिस्त्री भाई वो दिल्ली गया हुआ है, तो अभी क्या है यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे बोला था कि भाई खड़ा हुआ भाई मेरा मिलेगा, हाँ वो बाइक देखो खड़ी है और रस्सा भी लिए हुए है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गाड़ी खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो, रस्सा गाड़ी में डाल दो, गाड़ी साइड में लगा दो, कहीं सही जगह खड़ी कर दो, अरे बहुत मोटा है वे, ऐसे आ जाएगा आराम से, चलो डाल डाल डाल, दोनों ही डाल लो, जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही डाल लो, जो जरूरत लगेगा उसका यूज करेंगे, बकाया वापस आ जाएगा गाड़ी में पढ़ के, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। इसके पास ट्रैक्टर है यार, सुनील के पास, गाड़ी साइड में लगा के आओ, जहाँ खड़ी करना खड़ी करके आओ पटाख से। तो भाई इतने सारे रस्से आ गए, फोन आ रहा है, फोन में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो है तो भैया हम और सुनील भाई जा रहे हैं
रस्सा लेके ट्रैक्टर का अपना आए हैं, क्योंकि एक ट्रैक्टर वाले के पास ही इतना जुगाड़ हो सकता है। हम कार वाले तो भैया को नहीं, कुछ नहीं रखते। हालांकि हमारे घर में तार है टोचिंग के लिए, हमने बना रखा है। और ये रखा है भाई रस्सा पीछे पड़ा हुआ है। अब जाएंगे सीधा विवेक के पास, विवेक को भी लाते हैं भाई, रात में घर में आराम सोएगा, नहीं तो रात उसे वही बितानी पड़ती। ये तो खैर उतना व्यवहार उसका अच्छा है कि तुम भी आ गए हम भी आ गए। व्यवहार ना सही होता तो रात आज मच्छरों से वहीं कटवाता वो। सीधा चलते हैं भाई, विवेक को लाते हैं, गाड़ी के पास पहुंच के दिखाते हैं आपको गाड़ी का। ये खड़ी भाई गाड़ी पेट्रोलों के पास, अब इसी बांधो बीचों बीच में है। पानी ऐसे छूट रहा था, हम लोग सही है जब हीट करके तब देखा कि साला जितना डाला पानी सब नीचे है भाई का। उन पर बांध दिया भाई गाड़ी को, और इतना दूरी होनी चाहिए कम से कम 2-3 मीटर की, ताकि ब्रेक घुमाने में दिक्कत ना हो। चारों इंडिकेटर इसमें चालू कर दो। और तुम अकेले इस गाड़ी में बैठो, और तुम लोग चलो हमारी गाड़ी में। ओ देखो जब कोई दिक्कत हो डीपर मारना, डीपर से हम समझ जाएंगे तुम रुकने की इशारा कर रहे हो। रुकने के लिए डीपर का इशारा करोगे तो अपनी गाड़ी में बैठो, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ठीक है, आराम चलेंगे दोनों लोग। चलो बैठो निकलते भाई, टोचिंग कर ली है, हम निकलते फटाफट यहाँ बैठो। एक लोग वही गाड़ी में जाना है ना, उसमें लोड पड़ेगा, उसमें बैठो। तो भाई मेरे आ गए हैं टोचिंग करके विवेक के यहाँ, ब्लॉक तो शूट ही कर ले। और भाई रस्सी अब खोली जा रही है, हमारा ये कहना था भाई गंगा ब्रिज पे खड़ी कर देते, क्योंकि सुबह मिस्त्री आएगा, हो सकता है गैरेज भी गाड़ी ले जानी पड़े, अगर ले जाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी ना, तुम बताओ। और अच्छा हमारे यहाँ एक बहुत और है, हम कभी गड़बड़ गाड़ी हो जाती है लड़ती है ना भाई, घर टूटी फूटी नहीं ले जाते हैं, बिगड़ी हुई इससे क्या बेइज्जती होती है। अब गाँव वाले सुबह देखेंगे इसमें धक्का लग रहा है, गाड़ी गड़बड़ पुरानी लाया होगा भाई, ये समझ लो विवेक का। देखो तेरा ना भाई गाड़ी तो घर ही जाएगी, भले बिगड़ी है तो क्या हुआ, बात ये ना वो बाहर गया कल परसों लौटेगा ना अंशु। अरे भाई दूसरा मिस्त्री आएगा उसके इंतजार में तुम गाड़ी थोड़ी बिगड़ी खड़ी रखोगे यार, पैसा दूसरा भी लेगा यार भाई, बिना पैसा काम करेंगे आपकी बार करवाएंगे हम। भाई मेरे बहुत ज्यादा 1000 रुपए मिस्त्री लेगा, 1000 रुपए एक दिन में तुम कमा लोगे, ये कोई समझदारी ले खेल थोड़ी ना है। चलो फटाफट बोल रहा नहीं हम तो अपने मिस्त्री से ही बनवाएंगे भाई, दूसरी मिस्त्री से हमें काम नहीं कराना है, वो गया है दिल्ली 1-2 दिन के लिए, पता नहीं परसों लौटे नरसों लौटे थरसों लौटे, तब तक अपना नुकसान करेंगे। अरे भाई 1000-2000 में क्या जा रहा है, एक दिन में 1-2 हज़ार रुपये हम लोग कमा लेते हैं, एक दिन समझ रहे हैं नहीं कमाया, गाड़ी तो कंप्लीट होकर खड़ी हो जाएगी। चल गई सब हमारे ढीले कट डाले हो बम्फर वम्फर भाई, ये जगह जगह ब्रेक मार मार के जो है हाँ। चलो खोल ले आराम से, हाँ यार तभी तो फंस रही है ये बार बार खाली, चलो निकाल ले आराम से। तो भाई जब भी टोचिंग करें कम से कम एक पहली गाड़ी आगे वाली से पीछे वाली की दूरी 2-3 मीटर होनी चाहिए, इतना गैप रहेगा ज्यादा सही रहेगा, और नहीं फिर लड़ने के ज्यादा चांस रहते, क्योंकि हम तो आए लगभग 20-30 किलोमीटर उन्नाव से, यहाँ गंगा बैराज जिसके गांव विवेक के, ये हमारी खड़ी गाड़ी। अब इन लोगों को जो है इनके घर छोड़ के फिर हम सीधा फटाफट निकलते हैं इसके यहाँ। भाई तब आए थे जब ये गाड़ी नई नई आई थी लड्डू खाने के लिए, उसके बाद आज यहाँ आए के विवेक, कि हम बीच में तो आए नहीं है, बीच में नहीं एक दिन आए थे जब नहीं कुछ लेने, हाँ दूसरे को हाँ हम आए थे हम मिलन, लेकिन तब शायद गाड़ी नहीं थी, तुम दुकान खोलते थे, नहीं गाड़ी थी, गाड़ी अच्छा आ गई थी लेकिन नंबर वंबर नहीं पड़े थे या नहीं, पेपर नहीं हो ओलम नहीं लगी होगी, लगी भी थी उस दिन हम गए नहीं थे। तो ये सिस्टम भाई आ चुके हैं हम, बताओ फिर क्या करें हम निकले।
तो इन लोगों को भाई छोड़ दिए, ये रहा हमारा गंगा बराज वाला रोड, और हम सीधा निकल रहे हैं घर की तरफ। हाँ तुम भी निकलो, हम भी निकल रहे हैं भाई। तो भाई निकलनी है, आप लोग दिखाते हैं कि भाई गाड़ी कितना चली है। 265 किलोमीटर जो हमने राइड छोड़ी थी, मात्र 200 किलोमीटर गाड़ी चली थी भाई, 65 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल चुकी है ये गाड़ी टोचिंग के चक्कर में। और भाई धीरे धीरे आए, समय देख लो 3 बज गया है, 11 बजे हम फ्री हो गए थे, और समझ लो 4 घंटे और 65 किलोमीटर का जो है दूरी, 4 घंटे समय लगे और 65 किलोमीटर भाई गाड़ी चली आने और जाने में। तो ये होता है भाई, लेकिन मदद हर किसी की करना चाहिए, हमें तो भाई मदद करने में अच्छा लगता है। आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे और भाई बोलेंगे कि भाई मदद आप लोग भी करें, अपने दोस्त यार या फिर ड्राइवर भाई किसी कोई भी फंसा हुआ हो अपना टाइम से घर पहुंचे। हाँ इसने एक गलती सिर्फ ये की है कि गाड़ी ले आया था, घर पे नहीं ले जाना था, घर इसका ये गंगा बराज से लगभग 2 किलोमीटर दूर है भाई, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदाजे से। उससे क्या होता ना, उसका फायदा ये होता कि सुबह मिस्त्री को बुलवाता, यहीं पे सही कराता, सही ना होती तो यहीं पास में गैरेज, जो पास में पड़ता गैरेज ले जाता, वहां जाके गाड़ी कल कंप्लीट कराता। बोला नहीं, हम जिससे काम कराते हैं उसी से काम कराएंगे, वो गया हुआ है दिल्ली गाड़ी के ही काम से, वो 2 दिन बाद आएगा। अब 2 दिन गाड़ी भाई उस कंडीशन में खड़ी रहेगी गड़बड़, गाँव वाले देखेंगे, बेइज्जती ऊपर से होगी। हमारा जो मानना है, हमारी कभी भी गाड़ी बिगड़ती है ना भाई, ये लड़ती बिड़ती है तो हम गाड़ी नहीं ले जाते हैं, या तो मैकेनिक के यहाँ डाल देते हैं या किसी अपने यार दोस्त के यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और फिर जब गाड़ी कंप्लीट हो जाती है तो घर ले जाते हैं, जो हमारा सोचना है, क्योंकि उससे बेइज्जती होती है यार, गांव के रहने वाले हैं, और गाड़ी खराब जाएगी, लड़ी भिड़ी जाएगी, या गाड़ी धक्का प्लेट है तो यार गाँव वाले कहाँ सोचेंगे, हमारा ये मानना है। लेकिन बोला नहीं भैया गाड़ी घर ही ले चलेंगे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं घर ले चलो, लेकिन अब हमें दोबारा मत बुलाना इस काम के लिए, यहाँ के लिए कि भैया घर से उठा के गैरेज गाड़ी ले चलनी है। तो बोला ठीक है भैया, अब आपको नहीं बुलाएंगे, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हमको तो नहीं किसी दूसरे को जरूर बुलाएगा, और हर कोई भाई तैयार भी नहीं होता। मैं खुद ही यार जान पहचान का है या ड्राइवर भाई है तो ठीक है मदद कर दी, नहीं तो भाई गाड़ी टोचिंग कौन नहीं करता यार, बड़ी गड़बड़ हो जाती, समझ लो ब्रेक मार मार के चलाओ, पहले गियर दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है, पीछे वाला ब्रेक मार रहा है, रस्सा टूट रहा है भाई, एक बार रस्सा भी रास्ते में टूट ही गया था, फिर उसे बांधना पड़ा। तो फाइनली काम हो चुका है, अब रात के बज रहे 3, अब जाएंगे आराम से सोएंगे जाके, खाना क्या ही खाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके, जय हिंद, जय भारत।